साल में ये सब गलत हुआ, इसका तो बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है, अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज़्यादा है। कल बदायूं में हुई दो बच्चों की निर्मम हत्या के आरोपी साजिद के गांव में उसके घर पर अभी हम खड़े हैं। साजिद तो पुलिस की गोली का शिकार हो गया, लेकिन एक दूसरा आरोपी जावेद, जिसको बताया जा रहा है कि जावेद भी पूरे षड्यंत्र में, वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, वो इस समय फरार है। पुलिस उसी को ढूंढने के लिए इस समय सखानू और आसपास के इलाके में दबिश डाल रही है। अभी भी उसके घर पर भी आए हैं। अभी हमारे साथ साजिद के पिता मौजूद हैं। साजिद के पिता से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या साजिद गुस्सैल था, साजिद कैसा था। कि साजिद के बारे में बताएंगे, साजिद क्या गुस्सैल था, उसने ऐसा क्यों किया। गुस्सा वाला तो था ना, था गुस्से वाला नहीं था ना। जावेद जो घर पे था, ये दोबारा गया है, का नाम फोन कर रहा, किसी ने बुलाया है। तो कितने बजे तक जावेद यहाँ पे था। जावेद तो शाम तक घर पे ही था, तो हम बदाम से आए तो जावेद ने और उसकी अम्मा ढूंढ रहे हैं कि किसी से लड़ाई होगी साजिद से। जो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया, पता ना किसने बुलाया फोन करके वहाँ लड़कन ने। कितने बजे की बात रही होगी जी, करीब 7 बजे की बात है। अच्छा, मतलब साजिद के संग जावेद नहीं था ना, वो तो घर पे था जावेद, लेकिन आपको पता होगा कि उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, नाम तो अब क्या बताऊं साहब। तो साजिद ने मिट्टी डाल लिया था, वो तो घर पे, हम घर आए तो उनकी माँ और जावेद ढूंढ रहे थे कि किसी से लड़ाई हो गई, तो हम भी भागे, हमने ढूंढ के लाना किससे हो गई, क्या बात हो गई। तो अड्डा पास ढूंढ ढान के हम घर बैठ गए, आए के थोड़ी देर बाद पता लगे कि ना वो तो ऐसे ऐसे बात हो गई। तो आपको यकीन हो गया कि आपके बेटा ये काम कर सकता है साहब। हमें तो यकीन नहीं हो रही, किसी के साथ हम बैठ के का नाम कुछ भी करा हुआ, ये हम नहीं कह सकते, वो इस तरीके का था नहीं। कैसा था साजिद उस, वो तो काम करने, काम हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, वो तो इस तरीके का था, हमें नहीं लग रहा था नहीं कि ऐसा काम करेगा वो। क्या वजह मानते हैं आप, क्या रहा होगा। हम तो ये मानते हैं कि साथ में किसी के बैठ उठ के, मतलब ये काम किसी से कराया गया हो या कुछ करा हो, ये हमें नहीं पता था। क्यों हम काम करते हैं, अब ये हमें ये ही ना पता कि दोस्ती किससे थी किससे ना थी इसकी, वही दुकान पे ही मोहल्ले वोल्ले कई लड़कों में। लेकिन जो दो बच्चे खत्म हो गए, आपको जानकारी मिली होगी, उनकी उम्र बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का था, एक 13 साल का। ये सब गलत हुआ, इसका तो बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है, अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज़्यादा है। इस तरीके का जो था नहीं, अब बताना ये इसमें क्या हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते साहब, मालूम ही नहीं है हमें, बताएंगे क्या। तो जावेद की शादी किस समय हो गई थी और जावेद के कितने बच्चे हैं। जावेद तो कोई बच्चा नहीं है अभी, अभी अभी ऐसी 2 साल में ही शादी उसकी। 2 साल। क्या उम्र है जावेद की और साजिद की। 30-32 साल की साजिद की उम्र हुई और 2 साल के अंतर से फिर जावेद की, ऐसी मान लो 28। और साजिद की शादी कब हो गई थी, उसके कितने बच्चे हैं। साजिद तो कोई बच्चा नहीं। शादी को कितना टाइम हो गया। शादी को उसकी हो गई 5-6 साल हो गए। और ऐसा हमें लगता थोड़ी था कि गलत होगा, ये कभी घर में नहीं बाहर नहीं कुछ, हमें ऐसा लगता ही ना था कि छल्लेबाज हो या कैसा ही हो, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता था साहब, ना तो हम उसको कंट्रोल करते कि मतलब इस तरीके की आदतें क्यों डाली हैं तुमने। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।